हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीशा सिंह क्रिएशंस। आज का जो वीडियो है वो है टॉवल हैंगर। सिंपल सा डिज़ाइन है, छोटा सा। आई होप आपको अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें कॉर्ड लेना है। ये जो कॉर्ड है वो 1.5 मीटर का है और ये रिंग 2.5 इंच का है। यहाँ पर टोटल 12 कॉर्ड अटैच करने हैं। एंड सारे डिटेल्स आपको कौन सा थ्रेड है, क्या है, कितने माइक्रम बीट, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। आप वहाँ जाकर ये देख सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं मोती यूज़ कर रही हूँ, तो ये स्क्वायर शेप का मोती है ब्लू कलर का। अब ये जो कॉर्ड है, 4 कॉर्ड लेना है, उसके बीच वाला जो 2 कॉर्ड है उसमें हम एक मोती डालेंगे एंड सिंपल स्क्वायर नॉट। छोटा सा ये टॉवल हैंगर है, बट ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। एक आप कहीं भी टांग देंगे तो ये 100 पीस की तरह भी दिख रहा है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरीके से 4-4 कॉर्ड लेना है और बीच वाले कॉर्ड में मोती डाल के एक स्क्वायर नॉट लगा लेना है। यहाँ पे 12 कॉर्ड है तो 6 मोती यहाँ पर लगेगा। ये देखिए, सब में मैंने मोती लगा लिया है, मैं नॉट लगा लूंगी। अब ये नॉट लगाने के बाद साइड का 2 कॉर्ड छोड़ देना है, फिर बीच वाला जो है ये 4 कॉर्ड ये लेना है और सिंपल स्क्वायर नॉट लगाना है। कोई मोती यहाँ पर नहीं डालना है। लेफ्ट साइड में 2 कॉर्ड छोड़ा है तो राइट साइड में भी 2 कॉर्ड आपको छोड़ देना है। इसी तरीके से पूरा लाइन हो गया, तो फिर से 2 कॉर्ड छोड़ देंगे। इसी तरीके से ये ट्रायंगल शेप का बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 मोती मिला था, उसके बाद 5 नॉट, 4, 3, 2, 1। ये हो गया एक लास्ट। ये होने के बाद जो है कि दोनों तरफ को टोटल इक्वली डिवाइड कर लेना है। देखिए, ये बनने के बाद डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड को। और ये जो राइट साइड का लास्ट वाला कॉर्ड है वो लेना है और फिर सारे कॉर्ड्स को पाइपिंग करना है, उस साइड के सारे कॉर्ड्स को। ये हो गया, वैसे ही दूसरे साइड में भी। एक आपको दिखा दे रही हूँ कि कैसे करना है। ऐसे ही पूरा पाइपिंग कर लेंगे। ये पूरा पाइपिंग हो गया है तो दोनों को साइड अंदर बीच वाला जो है बंद कर लेंगे और फिर दोनों कॉर्ड दोनों साइड में इक्वली डिवाइडेड ही रहेगा।
फिर अलग से मैं यहाँ पर लाइट ब्लू कलर का कॉर्ड यूज़ कर रही हूँ, ये भी 1.5 मीटर का है। ये फर्स्ट वाले कॉर्ड में इस तरीके से जैसे यहाँ पर अटैच किया मैंने वैसे कर लेंगे, एंड दोनों तरफ से एक एक बार पाइपिंग कर लेंगे। वैसे येलो भी 1.5 मीटर का कॉर्ड लेना है और वैसे ही अटैच करना है और दोनों साइड से पाइपिंग। फिर पिंक वाला जो कॉर्ड है वो लीजिए और इन सब के ऊपर रखना है और ये दोनों कलर को इसके ऊपर पाइपिंग करना है। ऐसे ही पूरा एक साइड लेफ्ट साइड का पूरा ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये एक साइड का लेफ्ट साइड का पूरा हो गया है। ये जो फर्स्ट कॉर्ड है ये लेना है और फिर पिंक वाले कॉर्ड को पाइपिंग करना है। और वैसे ही सेम जो है लेफ्ट साइड में हो गया है वैसे ही सेम ये अलग से कॉर्ड लेकर के अटैच करना है राइट हैंड साइड में भी। ये देखिए मैंने राइट साइड में भी सेम वैसे ही बना लिया है जैसे इधर बनाया है और वो येलो एंड ब्लू वाला कॉर्ड का भी कोई काम नहीं है तो साइड कर दीजिए या कट भी कर सकते हैं। और फिर ये जो पिंक कॉर्ड है ये दो लेना है, जैसे देखिए उस साइड में मैंने डिज़ाइन बनाया है वैसे ही इधर बनाना है। ये दो कॉर्ड लेंगे और फिर जैसे मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनाया लेफ्ट एंड राइट जो नॉट देते हैं ये नॉट मैंने बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में दिया है वैसे ही ये नॉट देना है। सिक्स टाइम्स ये नॉट दे के रेडी करेंगी। उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इधर का फर्स्ट कॉर्ड में एक मोती और जिसमें हमने मोती डाला है उस कॉर्ड को ये सिक्स टाइम्स जो नॉट दिया है उस कॉर्ड के ऊपर पाइपिंग कर लेंगे। तो इसे थोड़ा सा टाइटली करिए कि अच्छे से सेट हो जाएगा मोती। उसके बाद दो कॉर्ड इसी कॉर्ड के ऊपर पाइपिंग करना है। ये हो गया और उसके बाद साइड का ये जो दो कॉर्ड है इसे छोड़ देना है और इन दोनों कॉर्ड को इस कॉर्ड के ऊपर पाइपिंग करना है फोल्ड करके। जो कॉर्ड में हम लोग पाइपिंग कर रहे थे उसे थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए और फिर इन दोनों कॉर्ड को पाइपिंग कर लीजिए। ये हो गया। उसके बाद ये वाला जो दो कॉर्ड है उसमें हम फिर लेफ्ट एंड राइट जो नॉट देते हैं वो सिक्स टाइम्स दे के रेडी करेंगे।
1 2 3 4 5 6 ये हो गया। फिर इसको भी फोल्ड करेंगे और ये वाला जो कॉर्ड है इसके अंदर देखिए ये भी फर्स्ट कॉर्ड है, इसमें मोती डालेंगे और सेम पाइपिंग करेंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ पर दो मोती लगाया है वैसे ही चार यहाँ पर डिजाइन बना के मोती लगाना है। ये दो कॉर्ड छोड़ देंगे और दो कॉर्ड को फोल्ड करके पाइपिंग कर लेंगे। अगर कोई कॉर्ड छोटा हो जाता है कहीं यूज़ आता है तो आप अलग से कॉर्ड अटैच कर सकते हैं लाइटर या कैंडल के मदद से। वो मैंने बहुत सारी वीडियोस में दिखाया है कि कैसे आप अटैच कर सकते हैं। बस ये बन गया है। लास्ट वाला जो है कि मैंने यहाँ पे बता दे रही हूँ, लास्ट वाला जो है दो कॉर्ड नहीं तीन कॉर्ड पाइपिंग होगा, तो उसे तीनों कॉर्ड को पाइपिंग कर लेना है। एंड उसके बाद ये वाले जो कॉर्ड्स हैं इसको कट कर लीजिए। पहले भी कट कर सकते हैं, मैंने बाद में किया, आप बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। इसे कट करने के बाद हम लोग बाद में स्टिक कर लेंगे। और ये बीच का जो दो कॉर्ड है दोनों साइड का एक एक कॉर्ड है उसमें हम एक मोती डालेंगे। और साइड साइड से एक एक कॉर्ड लेना है, फोर कॉर्ड लेकर के एक सिंपल स्क्वायर नॉट दे देना है। अच्छे से सेटल कर लीजिए एंड उसके बाद एक नॉट लगा लीजिए। एंड फिर जो नॉट लगा हुआ है और उसमें से दो कॉर्ड, ये देख सकते हैं आप कहीं कहीं छोटा छोटा कॉर्ड रह गया उसमें मैंने अटैच कर लिया। जो नॉट लगा है उसमें से दो कॉर्ड और साइड से दो कॉर्ड लेकर के फोर कॉर्ड लेके नॉट लगाना है। ऐसे ही दो नॉट मिलेगा, फिर तीन नॉट, फिर दो, फिर एक, तो ये बर्फी के शेप का हो जाएगा।
देखिए फिर वन, ये हो जाने के बाद राइट साइड का जो ये देखिए दोनों को डिवाइड कर लेंगे कॉर्ड्स में, और फिर इस साइड राइट साइड का जो सेकंड कॉर्ड है आगे से उसको सेकंड कॉर्ड को लेना है और फिर कॉर्ड्स को पाइपिंग करना है। फिर जो फर्स्ट वाला कॉर्ड है फिर उससे पाइपिंग करना है, ऐसे ही दोनों साइड में कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हो गया, तो ये वाला जो रिंग है ये 6 नंबर का रिंग है, इसे हम अटैच करेंगे। तो जो सामने का 4 कॉर्ड है उसको अटैच करना है, ये 2 कॉर्ड हो गया, और फिर दोनों साइड से एक एक कॉर्ड। तो यहाँ पर ये रिंग अटैच हो, तो इस कॉर्ड को कट कर लेंगे। एक इंच तक मैंने कट किया है यहाँ, एंड जो ये सारे एक्स्ट्रा कॉर्ड्स हैं इन सबको भी कट कर लेंगे। और फिर लाइटर के हेल्प से इन सबको पीछे साइड में स्टिक कर लेंगे अच्छे से। और ये जो हमने ऊपर कॉर्ड कट किया था वो भी हम पीछे स्टिक कर लेंगे, सारे कॉर्ड्स को स्टिक कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद ये वाले जो कॉर्ड्स हैं इसमें बाद में हम लोग बेल्ट लगाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं 2.5 मीटर का कॉर्ड ले रही हूँ ब्लू वाला, इस रिंग को कवर करने के लिए। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा ब्लू कलर का कॉर्ड अंगूठे से ऐसे दबा कर रखें, और जिसमें यहाँ पर नॉट लगा रही हूँ लेफ्ट एंड राइट नॉट, वैसे इसको लगा ले। और फिर ये जो लंबा वाला कॉर्ड है ये इस साइड से लेफ्ट एंड राइट नॉट पूरा लगाते जाएं पूरे रिंग को कवर करने के लिए। ऐसे ही पूरा रिंग ये कवर हो गया है, तो लास्ट का जो इस साइड का ब्लू कॉर्ड था और उस साइड का भी दोनों को कट करके पीछे स्टिक कर लेंगे। एंड ऊपर वाला जो रिंग है उससे मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस मैक्रम को लेकर के सिंपल फोल्ड करते गई हूँ ऐसे गोल 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 गोल, तो ऊपर वाला जो रिंग है वो भी कवर हो जाएगा। कुछ लेफ्ट एंड राइट नॉट कुछ नॉट नहीं दिया है, बस सर्कल ऐसे घुमा घुमा के कवर कर लिया है, तो वैसे आप कर लीजिए। एंड ये वाले जो कॉर्ड्स है उसमें हम बेल्स अटैच करेंगे, तो मेरे पास ये ब्लू कलर का बेल्स है। ये बेल्स जल्दी लगता ही नहीं है, कोई कोई का बेल्स का जो होल होता है वो बहुत छोटा रहता है, तो एक कॉर्ड में हम होल में लगा लेंगे एंड दोनों कॉर्ड को इस तरीके से जलाकर अटैच कर लेंगे। बस ऐसे ही दूसरे साइड में भी ये दोनों मैंने लगा लिया।
ये देखिए ऊपर मैंने सिंपल फोल्ड किया है, कुछ नहीं किया है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।